अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ लिया है, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चर्बी वाली हड्डियाँ शामिल की हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पुलाव का जूसी बन के तैयार होता है। अब मैंने एक पतीली ली है, इसमें गोश्त डाला है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज बड़ी बड़ी काट के वो इस तरह से शामिल करेंगे। 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, ये भी इसी तरह से शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई अदरक है और कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टुकड़े तेज़पत्ते के, 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, 1 टीस्पून साबुत काले मिर्च, 6 से 7 लौंग, 4 हरी इलायची और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन सब चीज़ों को हम गोश्त में शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें। अब इसमें हम गोश्त गल जाने के हिसाब से पानी शामिल करेंगे, मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। आप मटन या बीफ में पका रहे हैं तो उसी हिसाब से पानी शामिल करें जितना कि गोश्त गल जाने के लिए ज़रूरत है। गोश्त को हम लो फ्लेम पर पकाएंगे कवर कर कर, जब तक कि गोश्त गल ना जाए। यखनी बन के तैयार हो गई है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पुलाव का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है और इसमें मैंने 1/2 कप घी शामिल किया है। पुलाव का फ्लेवर घी डालने से ही बहुत अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें कि घी में ही बनाएं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट के ये शामिल कर दिए। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन रखना है। थोड़ी सी प्याज हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल किया है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज का कलर डार्क ना हो। 1 बड़ी इलायची है, 2 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून साबुत काले मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को भी हम शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्च, 1/2 कप दही। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। दही को अच्छे से भूनने के बाद 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से गोश्त में मिक्स हो जाए। आप इस रेसिपी से पुलाव ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सारी चीज़ें वही इस्तेमाल हुई हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं। 2 कप बासमती राइस लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। गोश्त में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैंने 2 कप यखनी शामिल की है और एक उबाल आ जाने के बाद मैंने इसमें राइस शामिल कर दिए हैं। पानी आप राइस के हिसाब से शामिल करें जितना आपको ज़रूरत लगती है। मैंने इसमें 1/2 कप यखनी का पानी और शामिल किया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। टोटल मैंने इसमें 2.5 कप यखनी का पानी शामिल किया है। ये 1 टीस्पून भर के इमली का पल्प है, ये डालने से पुलाव का टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो आप इस स्टेप को मिस नहीं करिएगा। इमली को मिक्स करने के बाद हम पुलाव को हाई फ्लेम पर कवर कर पकाएंगे जब तक के यखनी का एक्स्ट्रा पानी ड्राई ना हो जाए। यखनी का पानी ड्राई हो गया है, अब इस पॉइंट पे हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दम लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बन के तैयार हो गया है, खिले खिले राइस हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब लास्ट में हम पुलाव पर तली हुई प्याज डालकर इसको गार्निश करेंगे। सलाद चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे।
मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।